कि मैं समाजवादी पार्टी का सन्यासी हूं, इसलिए यह काम दो वर्षों से नहीं हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, इसका आपका मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जनपद बिजनौर के चांदपुर क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के दबंग विधायक एवं पूर्व गणराज्य मंत्री स्वामी योगेश ने विधानसभा में चांदपुर क्षेत्र बेबड़ा जाने के कारण वहां पर तटबंधन बनाए जाने के मांग जोर शोर से उठाकर अपनी चांदपुर की जनता की आवाज़ को बुलंद किया। विधायक स्वामी अंग्रेजी ने विधानसभा में मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं इसी शर्त पर जीत कर आया हूँ कि चांदपुर क्षेत्र में आने वाली फाड़, क्योंकि काफ़ी गांव को प्रभावित करती है, वहां पर तटबंधन बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। स्वामी जी ने कहा है कि वहां पर हर वर्ष बरसात में कई गांव में बाढ़ का पानी आ जाता है, जिससे काफ़ी फसलों व घरों को एवं सड़कों को बहुत नुकसान होता है। गांव वालों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए चांदपुर क्षेत्र में गंगा पर तटबंधन आवश्यक है, जो क्षेत्र की उन्नति को नया आयाम देगी। आपको बताते चलें कि स्वामी ओम वेश विधायक के साथ साथ किसान नेता भी है। सामाजिक कार्यों में उनका हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। वह क्षेत्र की समस्याओं को शासन और प्रशासन तक पहुँचाने के लिए हमेशा से आगे रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें बिजनौर क्षेत्र में हर समुदाय का अपार प्यार मिलता है। जनता उनकी एक आवाज पर मर मिटने को तैयार हो जाती है। प्रश्न से पढ़िए, प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न हो उसको करिए। माननीय महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बिजनौर जिले में चांदपुर तहसील में लगभग 10-12 वर्षों से पानी की बाढ़ आ रही है, गंगा के पानी की, और हर वर्ष कम से कम 5 बार बाढ़ आती है। आज भी बाढ़ आ रही है वहाँ पर और बुरी तरह से किसानों की फसलों को बर्बाद करके रख दिया है। मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया था और मैंने अपने दिल को साफ करके कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे जो जीत मिली है केवल इस उससे मिली है कि इस तट का मैं निर्माण कराऊंगा। इतनी खुल के बात जो है मैंने की है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुई है। मेरा पूरा अनुपूरक प्रश्न है, क्या सरकार 30 किलोमीटर का बंध है, बंध बनाने का काम करेगी? ये मेरा दो माननीय मंत्री जी बताइए। माननीय मंत्री जी, ये प्रश्न से संबंधित अगर बहुत गंभीर समस्या है। आपकी समस्या के प्रति मैं नहीं कह रहा, बड़ी समस्या है, बुरी हालत। आपकी समस्या से मैंने एसडीएम साहब को भी लिखा है, वो आप लिख के दे तो मैं माफ कर देता हूँ। आपकी आप मुझे दे दीजिए, उसका जवाब मंत्री जी हो तो बता दीजिए, नहीं तो बात। आपकी समस्या आप मान रहे हैं, लेकिन विषय सारी आप पर पुल बनेगा, अगर जानकारी होगी तो बता देंगे। मैं आप ही की मदद कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, आपके अगेंस्ट में आइए बताइए। मैं ये बात कहनी चाहूंगा, बताइए कि मैं समाजवादी पार्टी का सन्यासी हूं, इसलिए यह काम 2 वर्षों से नहीं हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, इसका आपका मामला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका आपका मामला है। मैं आपसे जो है इस बारे में भीख मांगता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरी भीख डाल दीजिए। माननीय मंत्री, इसका आपका मामला है। माननीय मंत्री, बिजनौर एक्सप्रेस के साथ आफताब आलम की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।